हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, बिहार एसआई का पार्ट टू मैं लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का शिफ्ट वन का। तो जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स ओरिजिनल है, आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया है मैंने, तो जल्दी से जाके प्लीज़ उसको जाके जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपवर्तन। तो फ्रेंड मैंने बताया है कि फ्रेंड हर एक वीडियो का मेरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट एक क्लिक में उसको डाउनलोड कर लीजिएगा बहुत ही ईजिली। तो फ्रेंड्स फटाफट पहले वीडियो अंत तक जरूर देख लेना फ्रेंड, मेरे भाई लोग जरूर वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगला कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यूके यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में होगा। कहाँ पर होगा? यूके यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है हाल ही में? तो रविंद्र जडेजा को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट पूछ लिया गया था, ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, बी इजल टू आई आर, जिसमें आर रेजिस्टेंस है इजल टू 1 वोल्ट, देन उसके नीचे क्या होगा? तो वहां पर होगा फ्रेंड्स 1 एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनल का बाहरी अंग कौन सा होता है? तो एलिमेंट्री कैनल का बाहरी अंग होता है नॉस्ट्रिल, जो हमारे नाक होती है उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये नाक है हमारी, यहाँ पे हमारे छोटा सा जो कोना होता है उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। 150/12 ms मीटर पर सेकंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना था फ्रेंड्स। तो देखिए 150/12 इसको उसके बाद किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 करते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करने के बाद 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर निकल रहा था। 1919 में किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे यूट्यूब पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को से जुड़ी जाइए। ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है? फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र नहीं है? तो टेस्टिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें से जनन तंत्र नहीं है। प्लूटो से कब ग्रह का दर्जा छीना गया? तो देखिए फ्रेंड्स प्लूटो जो हमारा जो ग्रह था, जो लास्ट वाला ग्रह था, उसे कब अपना ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था? 2006 ईस्वी में इसमें इसका जो है ना ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। पुष्प का कौन सा जनन अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दल, जो है ना पुष्प का जनन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से तुरंत ठोस से परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उद्धरोपातन कहलाता है, अर्थात इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट में क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये बढ़ जाता है। क्या होता है? ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की आयु कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स सूर्य की आयु 4.6 बिलियन हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपकी। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन किस बॉन्ड से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सहसंयोजक बंधन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया किस दिशा के समानांतर है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स मैंने बताया है, ये देखिए पार्ट टू है, धीरे धीरे करके मैंने ऑल पार्ट कवर कर लेना है, तो फ्रेंड्स जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही अच्छी बात कहूँगा फ्रेंड्स, कि वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सिर्फ एक लिंक मिलेगा जो कि लिखा हुआ है हियर्स द पीडीएफ लिंक। क्या लिखा होगा? हियर्स द पीडीएफ लिंक। जल्दी से जाके फ्रेंड्स उस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वहां से टैप करने के बाद वीडियो डायरेक्ट आपको डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ का रूप में। ठीक है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।